मौजूद है लक्ष्मण मेला मैदान में, जहाँ पर हमारे बीच एक पीड़ित मौजूद है जिनका कहना है कि वो बाराबंकी के रहने वाले हैं और उनके मकान पर उनके जो कॉलोनी मिली हुई उनको किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किए जाने की बात सामने आई है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। क्या दिक्कत है आपको, किस लिए आप यहाँ बैठे हैं? हमारी दिक्कत साहब ये है कि हमारे पड़ोसी संतोष देवी, कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम बाराबंकी काशीराम कॉलोनी में रहने वाले हैं। गांव का नाम बताइए। काशीराम कॉलोनी जिला बाराबंकी कोतवाली नगर के। ये साहब हमारे पड़ोसी साहब हमको मारते पीटते हैं, हमारी मारते पीटते हैं, मेरी जबरदस्ती मेरी कॉलोनी का छीनना चाहते हैं हजूर। अकेला मनाई हूँ और लड़ाई साहब ये है कि एक इनके पड़ोसियों के ऊपर परिवार रहता लैटरिन चूती है, जो कहो लैटरिन बनवा लो, उसमें साहब मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, उस पर FIR दर्ज हो गई, कार्रवाई नहीं हुई। एक FIR साहब ST1 में दर्ज हुई, एक जीना के शोध दीवाल है उस पर साहब ये गीला कपड़ा छोड़ते हैं तो साहब कुछ नहीं, हम बोलते हैं जो हमारी लड़की छोड़ दे तो उसमें साहब ये हमको गाली मारते हैं, काना लोला जात पत्थर कट निहालते हैं, नट बनाते हैं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस से आपने शिकायत की तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कहती है कि तो सोलो पहले तुम्हारी FIR दर्ज हो गई, कार्रवाई करेंगे करेंगे। आज साहब आज तक एक साल हो गया है, आज तक न मुझे बयान लिए गए हैं न मेरी चार्जशीट भेजी गई है। कौन है जिससे आपकी लड़ाई रही, उसका नाम बताइए। संतोष हैं, अनिल हैं, देवी हैं, राजू हैं और सोलो पहले संतोष की पत्नी हैं, ये हैं साहब। क्या हैं ये लोग, दबंग लोग हैं या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये शायद दबंग लोग हैं। इसे जबरदस्ती मुझे इसलिए मारते हैं कि इसको आए दिन मारो मारो पीट कर मेरी कॉलोनी ये भग जाएगा और मैं कॉलोनी इसके छीन का कब्जा कर लूँगा। ये साहब दबंग लोग इसलिए मुझे मारते पीटते हैं, यही बात। क्या चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? हमारी साहब मैं धन्ना प्रदर्शन बाराबंकी में भी बैठ चुके, कोई हमारी पर कार्रवाई नहीं। मैं इसलिए साहब न्याय पाने के लिए आप सोलह लक्ष्मण मेला में आए हुए हजूर है, न्याय मेरी आरोप पत्र दाखिल करा दिया जाए, ये हम चाहते हैं जी। आप किसी पुलिस के उस अधिकारी से मिले या मुख्यमंत्री से आप मिले अभी तक? साहब मुख्यमंत्री से ज्ञापन लेके गए और साहब वहाँ ज्ञापन मुझे दिला दिया गया है लेकिन न उस पर भी कार्रवाई नहीं। बाराबंकी को आपने दिया प्रार्थना पत्र? जी दिया हजूर, और सोलो डीएम SP को सैकड़ों प्रार्थना पत्र दिया साहब, कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। ये हमारी बात है, निवेदन है कि वहाँ जब नई सुनवाई हुई है हजूर तो मैं लक्ष्मण मेला में भाग के आया हूँ हजूर न्याय पाने के लिए। जैसा कि पीड़ित ने बताया कि उन्होंने अपने स्थानीय थाने में कई बार शिकायत की, काफ़ी दबंग लोग हैं जो इनको मारपीट करके इनकी कॉलोनी छीनना चाहते हैं। इन्होंने DM से, SSP से और तमाम पुलिस के आला अधिकारी से शिकायत की, जहाँ के मुख्यमंत्री से भी इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र दिया, उसके बावजूद भी इनको कोई खास कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इनको न्याय मिल रहा है ना उस व्यक्ति पर कोई खास ठोस कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ होगा इस मामले में आगे देखने वाली बात होगी। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेसमैन न्यूज़ लखनऊ।